सांगानेर की सीएचसी पर कोरोना की जांच करने के लिए किट लेकर जो सीएमएचओ जयपुर के जो ड्राइवर आए, वह ड्राइवर तथा मेडिकल स्टाफ खुद ही कोरोना पॉजिटिव निकले। ऐसा जानकारी में आया है कि वो इस देश के सबसे बड़े हॉटस्पॉट रामगंज में 2 दिन पहले सैंपल लेने गए थे। वही ड्राइवर और स्टाफ जयपुर के अन्य सभी डॉक्टरों पर, पीएचसी, सीएससी व मेडिकल सेंटरों पर किट लेकर जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे समय में जब देश के प्रधानमंत्री से लेकर राज्य की सरकार व सभी लोग, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे स्वास्थ्यकर्मी हो, चाहे स्वच्छताकर्मी हो, दिन रात मेहनत करके एक युद्ध लड़ रहे हैं, ऐसे समय में ऐसी गंभीर लापरवाही, वो मुझे लगता है जयपुर को आग में धकेलने का काम कर रही है। 2 दिनों में वो स्टाफ कहाँ कहाँ गया होगा, किस किस हॉस्पिटल में गया होगा, कहाँ कहाँ टेस्टिंग करने के लिए गया होगा, वह सभी हॉस्पिटल, उन सभी स्टाफ को जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाए तब तक उनको परिवार सहित उनको क्वारंटाइन किया जाए, जिससे इसको आगे बढ़ने में रोका जाए। जयपुर में देश के सर्वाधिक केस जयपुर में बढ़ते जा रहे हैं। लगातार प्रशासन को भी हमने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी की बैठक में और वीसी में भी ये सुझाव दिया था कि रामगंज को पूर्ण तरह सील्ड पैक किया जाए। रामगंज का मेडिकल स्टाफ, वहाँ का पैरामेडिकल स्टाफ, वहाँ के सफाई कर्मी, स्वच्छता कर्मी, पुलिस कर्मी, अन्य सभी स्टाफ को रामगंज में ही सेंटर बनाया जाए। वहाँ के लोगों का भी वहीं क्वारंटाइन किया जाए। जो गलतियाँ इटली, स्पेन और न्यूयॉर्क ने की, वही गलतियाँ हम जयपुर में कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यदि इस ढंग से प्रशासनिक लापरवाही रही तो जयपुर बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बन जाएगा। और जिस तरह से हम जयपुर को आग में धकेलने का काम प्रशासनिक स्तर पर कर रहे हैं, मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि इसकी गंभीरता से लें, कोई सुझाव आए तो उन पर पूर्ण योग से उनको माने, और कोई अच्छे सुझाव हो तो उन पर काम भी करें। इस तरीके से जो मेडिकल स्टाफ खुद ही यदि पॉजिटिव लेकर घूम रहा है, तो जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं उनमें दूसरे पेशेंट्स भी एडमिट हैं, उन हॉस्पिटलों में ही साथ में क्वारंटाइन किया जा रहा है। मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि क्वारंटाइन के लिए अलग ही सेंटर बनाए जाए, और जनरल हॉस्पिटल जैसे जनाना अस्पताल है, जैसे SMS हॉस्पिटल है, ऐसे जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा फुटफॉल है, उन लोगों में वहाँ पर क्वारंटाइन के सेंटर साथ में नहीं रखे जाएँ, वरना आने वाले दिनों में ये स्थिति इतनी भयानक हो जाएगी कि आप, हम और जनता सब लोग जो अपना सर्वस्व न्योछावर करके इस लॉकडाउन में सहयोग कर रहे हैं, वो स्थिति उसके बावजूद भी हम काबू नहीं कर पाएंगे। मेरा यही निवेदन है कि इस पर त्वरित गति से कार्रवाई करके इसके प्रभावी, इस पर नियंत्रण का काम हमको करना चाहिए।